गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? आप पढ़ रहे हो? देखो, मैं पुष्पा पारिक DAV स्कूल से आपको पढ़ाने जा रही हूँ, और क्लास है आपकी UKG। ठीक है, और UKG में जो आपको घर पे काम भेजा जाता है, वो जो सीट है आपकी 7 और 8 नंबर की, उसकी समस्या का समाधान कराने जा रही हूँ। भाग है 4, और इसमें पहला प्रश्न जो है आपके 3 वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है आपके, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है 3 वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं, है ना? बिना मात्रा वाले शब्द बनाओ। तो देखो, 3 वर्ण। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? देखो, वर्ण देखते हैं। ये क्या है? मैं। ठीक, ये क्या है? और ये क्या है? कौन सा वर्ण है? ले। ठीक है, अब है तय। ये ले वर्ण है और ये व वर्ण है। ठीक है, अब इसी में देखो, न, ग और ये र। आप वर्ण देखते जाओ, क्या ये वर्ण है? न, ग और ये र वर्ण है। ठीक है, आप देखते जाओ वर्णों को, झ, ग और ळ, झगड़। फिर आपकी है प, क, ळ, पकड़। ठीक है, अब आपके देखो, देखते जाओ आप सब वर्णों को, कैसे वर्ण लिखे हुए हैं। फिर हम पढ़ेंगे इनको, जोड़ जोड़ कर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? आप ध्यान से देखना, ये धै और ये र। ठीक है, अब है र, है और ये टै। ठीक है ना? ये ऊ, ये धै और ये रे, ये प है ले। ठीक है, ये देखो स, फ और रे, फिर रे है ने। ठीक है, अब और देखो आप, क्या है? स है न, और आप देख सकते हो क्या है? ट है और ये ल। अब इन वर्णों को हम जोड़ेंगे। तो देखो, मैं है ले, इनको जोड़ो, पहले अलग अलग पढ़ो, फिर ये वाला जो आपके है इनको मत लिखो, है ना? ये जो प्लस का निशान है, ये नहीं लिखना है हमें। आप पहले मैं लिख दिया, इसके बाद में क्या है? हल वाला है लिख दिया, और ये ले है, क्या हो गया? महल। फिर है तय, फिर ले और ये ब, क्या हो गया? तलब। ये देखो, आगे देखो, न, ग और ये र, नगर। अब ये क्या है? झगड़। ये है। इसी तरह आप देखो, प लिखोगे, क लिखोगे, ळ लिखोगे, प, क, ळ, पकड़, स, ळ, क। अब देखते जाओ आप, है ना, और पढ़ते जाओ। सड़क, इधर, क्या हो गया? ई, ध और ये र, इधर। ठीक है,
अब ये देखो, रे है टे रहट। अब आगे क्या है, ऊ धे रे, क्या हो गया, उधर। आप देखो ये क्या है, प है ले, क्या हो गया, पहल। अब इसी तरह हम वर्णों को जोड़ते जाएंगे, स फ र, क्या पढ़ोगे, स फ र, सफर। इसी तरह र है न, रहन। फिर है स है न, सहन। ये है ट है और ये ल। इसी तरह हम और वर्ण देख सकते हैं, है फिर व फिर न। ये क्या है, देखो जोड़ो इनको, है व न, क्या हो गया, हवन। अब इनको हम पढ़कर देखते हैं, ठीक है। देखो पहला शब्द क्या बना वर्णों से, महल, तलब तलब, न ग र नगर, झगड़ झगड़, पकड़ पकड़, सड़क सड़क, इधर इधर, रहट रहट, उधर उधर, पहल पहल, सफर सफर, रहन रहन, सहन सहन, टहल टहल, और ये हवन। तो आपने देखा, ये हम वर्णों के द्वारा शब्द बना लेते हैं। तो ये तीन वर्णों के हमने शब्द बनाए, समझ में आए आपको। तो देखो अब आगे देखेंगे, अब आपके दूसरा प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं क्या प्रश्न है। दो और तीन वर्णों वाले 10 शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है। दो और तीन वर्णों वाले, दो और तीन, ठीक है, तीन वर्णों, तीन वर्णों वाले 10 शब्द लिखने हैं। देखो आपको कितने लिखने हैं, 10 शब्द, 10 शब्द लिखने हैं, ठीक है, 10 शब्द लिखिए, ठीक है। तो मैंने आपको दो वर्णों वाले शब्द पढ़ाए थे और तीन वर्णों वाले भी जोड़ के पढ़ाए। अब हम देखते हैं सबसे पहले दो वर्णों वाले, ठीक है, दो वर्णों, दो वर्णों वाले शब्द, दो वर्णों वाले शब्द, ठीक है। और एक तरफ लिखेंगे तीन वर्णों वाले शब्द, ठीक है, तीन वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो आपके सामने अब देखो, हम पहले क्या लिखेंगे, दो वर्णों वाले, क्या लिखेंगे हम, दो वर्णों वाले। दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना आप, पहला जैसे है क है ये, और हमने प लिख दिया, क्या हो गया, कप। आप देखो दूसरा है ये च, और ये दो वर्ण, च एक वर्ण, ल दूसरा वर्ण, क्या हो गया, चल। तीसरा है घ, और ये र, क्या हो गया, घर। चौथा है प, और ये ट, क्या हो गया, पट। पांचवा फ, और ये ल, फल, ठीक है। इसी तरह हम और देखते हैं दो वर्णों वाले शब्द कैसे बन जाते हैं, ख और ये ल लगा दिया, खल, ठीक है। अब जैसे सातवां है प लिख दिया, त्रय हो गया, पत्र। फिर आपके आठवां शब्द है, देखो क्या लिखोगे, गए पे तो हमने देखा ही नहीं, गए ले,
गल, है ना। अब नवा शब्द देखो है र, हर। दस नंबर पे शब्द है य, लिखो। और ग, दो वर्ण हो गए ना, एक वर्ण य और ग जोड़ के बोलो यज्ञ, यज्ञ, ठीक है। तो दो वर्णों वाले में आपने देखा कैसे बन गए, कप कैप कप, चल घर, पट फल खल, पत्र गल, हर यज्ञ। अब हम तीन वर्णों वाले देखते हैं। अभी आपने पिछले वाले भाग में देखा था कि हमने तीन वर्णों वाले आपके वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया था। अब शब्द देखते हैं, देखो ये क्या है, मैं है ले, महल, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा शब्द देखते हैं न ग र, तीन तीन वर्ण हैं आपके, न ग र, नगर, झ ग ड, झगड़, ठीक है। अब है ई ध, और ये र वर्ण, इधर। अब देखो उ ध र, उधर, ठीक है। अब देखो आप और देखो शब्द स प र, ठीक है। अब देखते हैं हम स ड लिख दिया क, सड़क, ठीक है। अब देखो क्या लिखते हैं हम, त ल, और ये ब, तलब, है ना। आप देखो क ल स, कलस। इसी तरह क म ल, कमल। तो आपने देखा कि तीन वर्णों वाले कैसे शब्द बन गए। तीन वर्ण लिखे हमने, पहले मैं लिखा, फिर है लिखा, महल, नगर, झगड़, इधर उधर, ठीक है ना, सफ़र, सड़क, तलब, कलश, कमल। आप और भी शब्द लिख सकते हो, और भी शब्द लिख सकते हो इसी तरह शब्द बना के, ठीक है ना। आप इसी तरह शब्द बना के लिख सकते हो। तो इधर देखो एक दो शब्द हम और देख लेते हैं, दो वर्णों वाले भी, और फिर तीन बन जाएंगे। ये क मैं क्या है, ये दो वर्णों वाले हैं। अब तीन में हम क्या करेंगे, क मैं और ल वर्ण और लगा दिया, कमल हो गया, है ना। अब इसी तरह देखो स ड लिख दिया, सड़, और ये तीन में क्या कर दिया हमने, सड़क, सड़क। इसी तरह कल लिख दिया, और इसमें तीसरा वर्ण जोड़ दिया, कलश, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने क्या देखा, दो वर्णों वाले और तीन वर्णों वाले शब्द सीखे, है ना। वर्णों को मिलाकर हमने शब्द सीखा और शब्दों को पढ़ना सीखा। तो बच्चों आप घर पर पढ़ाई करो और सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा भी करो, है ना। मम्मी पापा की सहायता लेके वर्णों को पहचानो, फिर मिलाओ और फिर पढ़ो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो आपके सामने तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप में मैसेज करो, ठीक है। धन्यवाद।